जहां सोनभद्र से जिला पंचायत अध्यक्ष राधिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। राधिका जी, आपका स्वागत करते हैं। एबीपी गंगा के जिला पंचायत अध्यक्ष ई कॉन्क्लेव पर आप जुड़ चुकी हैं। अब ये बताइए जरा कि किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने थी जब आपने पदभार ग्रहण किया, और कितना काम अभी तक हो चुका है सोनभद्र में? और काम अभी तक शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं। अच्छा, शुरू नहीं हो पाया है, वजह क्या रही है? 85 दिन बीते हैं, आपको क्या चुनौती या क्या समस्या सामने आ रही है जरा बताइए। चुनौती ये है कि अब काम लग जाएगा, लगने वाला है काम। अच्छा, क्योंकि सोनभद्र मैं खुद भी गई थी, वहाँ दुद्धी विधानसभा हो या कई क्षेत्रों में पीने की पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और कई तरीके की समस्याएं। आपको इस बारे में जब जानकारी है तो आप किस तरीके से आप रिपोर्ट कर रही हैं, क्या प्लान बना रही हैं? वहाँ पानी का दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आप अपनी बात आगे पहुँचा रही है, चुनौतियाँ हैं, परेशानी है कोई तो बताइए। नहीं, परेशानी नहीं है, सब ठीक है आपके हिसाब से। राधिका जी, नमस्ते। तो राधिका जी हैं सोनभद्र से जिला पंचायत अध्यक्ष, जहां पर वो कहती हैं कि पीने की पानी की समस्या है और अभी तक काम तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन 85 दिन के बाद अब वो उम्मीद जरूर जता रही हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लाइन पर आएंगी। सोनभद्र की जब हम बात करते हैं तो बहुत आदिवासी क्षेत्र हो गए, जहां पर फ्लोराइड और पानी की समस्या हो गई, इसके अलावा विकास की भी समस्या है। राधिका जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आपका कोई प्लान है, आपको किससे बात करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें सोची हैं? सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है, हाँ। अपनी बात आगे बढ़ाएंगी, लोगों की बात आगे बढ़ाएंगी सही तरीके से? चलिए राधिका जी, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो सोनभद्र से जिला पंचायत अध्यक्ष थी राधिका जी, जहां पर वो कहती हैं कि अब सुविधाओं के लिए बात की जाए, क्योंकि जरूरत भी है। अगर सोनभद्र को आप देखते हैं तो पावर हाउस के तौर पर देखा जाता है, वहां से बिजली का उत्पादन पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी सप्लाई की जाती है, लेकिन वहां पर भी लोगों को बिजली की समस्या हो गई या रोड की समस्या हो गई, किस तरीके से उनका निस्तारण होना है ये बेहद जरूरी है। इसीलिए लोगों की उम्मीदें बेहद जुड़ी हुई हैं, और अब देखिए चुनावी साल है, वक्त ज्यादा है नहीं, लोग काम देखना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, और इसी विकास की रूपरेखा कितनी तैयार हुई है हर जिले में जानने की कोशिश है हमारी ये जिला पंचायत अध्यक्ष ई कॉन्क्लेव, क्योंकि बारीकी से निगाह हम बनाए हुए हैं कि इन 75 जिलों में विकास के जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, 85 दिन में क्या थोड़ा बहुत भी काम